नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय आया हूँ जयगांव 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के HMD लाइन में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के जो निवासीगण हैं, यहाँ के जो आम पब्लिक है, उनका कुछ समस्याएं हैं। इस रास्ते को कहें या नाले को कहें, दोनों 2-in-1 है, लेकिन समस्या है कि ये नाला जो है, नाला काफ़ी हिस्सा जो है टूट चुका है। करीबन तीन महीना हो चुका है, जैसा कुछ लोग बता रहे थे, जहाँ पे इसका मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा। इसीलिए आज नाराज़ होके आज यहाँ पे बैठे हैं और हम लोगों को इसका जानकारी दिया है, तो हम लोग भी देखने के लिए आए हैं। चलते हैं, बात करते हैं, आपको ये भी दृश्य दिखाएंगे कि कितना इसमें क्षति हुआ है, कितना ये डैमेज हो रखा है, कितना खतरनाक स्थिति में है, इसका भी हम आप सभी के समक्ष दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ से जाना आना कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। ये एक कुत्ता है, कुत्ता भी सोच समझ के जा रहा है। ये कुत्ता है, वो भी सोच समझ के जा रहा है कि कहीं वो इस गड्ढे में ना गिर जाए। और इंसान के बारे में प्रशासन क्या सोचती है कि ये रास्ता क्या इंसान का चलने लायक ये क्या रास्ता है। ये यहाँ पे खड़ा होना भी खतरनाक है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्रैक हो चुका है। इसीलिए मैं ज़्यादा उधर आगे नहीं जाऊँगा, थोड़े दूर से ही आप सभी को दृश्य दिखाऊँगा कि ये जो नाला है, ऊपर का स्लैब टूट के इसमें गिर गया है। जब ये बना होगा तो इसमें किस तरह का सामग्री लगा होगा, ये तो खैर बनाने वाले ही जानते होंगे और बनवाने वाले ही जानते होंगे। लोग इतना नहीं सोचते हैं, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट का कार्य हो, अच्छा से कार्य हो, लेकिन अगर इस तरह से टूट जाता है तो प्रशासन का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आके देखे, इसकी मरम्मत किया जाए। और ये आम जनता है जो आज यहाँ पे उपस्थित है, उनकी जो समस्याएं हो रही है, उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए उचित समय पे उचित कार्य करना पड़ेगा। चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। और नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? नईमा खातून। अच्छा, ये बताइए कैसा समस्या हो रहा है आप लोग? बहुत खराब है, चलने में डर लगता है, बच्चा लोग को डर है, एक गिर उड़ जाएगा तो सीधा टूट सामने चला जाएगा। स्कूल बच्चा लोग जाता है इसी रास्ता से? हाँ, इसी रास्ता से। बहुत डर लगता है, घर में उस दिन पानी भी घुस गया, यही नाला। हाँ, यही नाला घर में घुस गया, कोई देखने नहीं आता। पानी जब जाता होगा, पानी जाता होगा तो ये तो गड्ढा नहीं दिखता होगा, ऊपर से भी पानी बहता होगा, ऊपर से भी पानी नाला उपटा के भी घर में जाता है, तो उस समय तो आदमी सब गिर जाएगा, बच्चा तो गिर जाएगा। अब कोई सुनता नहीं है, कितना बार कंप्लेन किया, कोई नहीं सुनता। पंचायत प्रधान नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कितना बार कंप्लेन किया, कोई नहीं सुनता। अच्छा, लिख के आप लोग कंप्लेन किया? हाँ, दिया हुआ है, नहीं सुनता, नहीं सुनता, फिर भी कोई नहीं आ रहा। नहीं नहीं आ रहा है, देखने नहीं। ये कितना दिन का ये समस्या? तीन चार महीना हो गया। तीन चार महीना हो गया, ऐसा ही है? ऐसे है। कोई घटना इसके बीच में घटा है? कितना आदमी गिरा है, गाय गिर गया था, 10-5 आदमी मिलकर उसको निकाला, गाय का सींग भी टूट गया। और डर लगते रहता है, कितना आदमी गिर जाता है, पर में चोट लगता है, कोई सुनता नहीं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, देखने वाला। यहाँ पे तो समस्या एक और है कि कोई गिर जाएगा, हाथ पे टूट जाएगा, तो हॉस्पिटल भी नहीं है? हॉस्पिटल भी नहीं है कि रात में अगर रास्ता चला, जोर से पानी आया तो सीधा तुरसा नदी जाएगा, तुरसा नदी चला जाएगा। तो एक ही बार में विदेश पहुँच जाएगा ना आंटी? शमशान में जाएगा, शमशान में जाएगा, और जो जाएगा वो लोग का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों, ये जो हंसी मजाक वाला जो बात जो यहाँ पे हो रही है, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि इसी तरह से लोगों को बिना पासपोर्ट वीजा का विदेश, क्या ऊपर यमराज जी के पास भी पहुंच सकते हैं, जाना पड़ सकता है, अगर ये फैसिलिटी का आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो। और जैसा कि कोस रही हैं यहाँ पे, कोस रही हैं आंटी, का क्या नाम है? नईमा खातून। कहाँ पे घर है? क्लब। अच्छा आंटी, आप बताइए, आप भी यहीं के हैं, कि आपको कितना समस्या होता है? वही चलने में दिक्कत होता है, वो तो सब भाई चलता है, सबको दिक्कत होता है, वो नाला में गिरने के डर है कि नहीं है? सब है डर, तो इधर के तो बनाना ही नहीं सकता है, तो क्या करेगा हम? अच्छा, कुछ लोग बता रहा था कि यहाँ पे नाला रिपेयर भी आप लोग खुद किया? हाँ, ये सब बनाया है, अपना से बनाया, अपने से बनाया है, बनाया है, है। वो तो नहीं सक रहा है, नहीं सक रहा है, वहाँ पे तो बहुत पैसा लगेगा, अब उतना कौन सकेगा, नहीं सकेगा। और ये समस्या ये भी है कि इस समय तो आदमी का रोजी रोटी नहीं है, खाने पीने का आफत है, खाने के लिए सोचता है, तो नाला कौन बनाएगा? वही ना, ये भाई क्या करेगा, कितना आदमी गिरता है, कितना माल जाल आता है, तो उसके डर है, सबके डर है,
भैया क्या नाम है आपका? जयपुर खातू। देखिए समस्या है यो यहाँ पर। यहाँ रिरी हाम्रो जयन्ती बहुत राम्रो भएर ढलेपते गरेको छ। रड पनि पतला पतला कुइसाएको रड लिएर हालिदिएको छ। अन्त यता जयन्तीको जयन्ती हाम्रो वार्डको मान्छे मेम्बर त ऊ त मेम्बर हैन, उसको भौजू मेम्बर हैन। उसको भौजू पहिला उल्ले बनाएको नि त यो। उसको टाइममा यो बनाएको। जयन्तीको टाइममा बनाएको यो। अन्त त्यो टाइममा यस्तो नराम्रो काम हुनु टाइममा तपाईहरु केही भनेन? त्यतिले हामीले केही हामीले उनीहरुले भन्यो हो, अब तपाईहरुको लागि यो बाटो राम्रो श्रेष्ठ बनाइदिन्छु भने। अन्त हिजो अस्ति फेरि गाई कुद्दाखेरि बङ्गडङ्गै गाईको दुइटा सिङ पनि भाँचियो, एउटा खुट्टा पनि भाँचिएको छ। अन्त जयन्तीले त खै के गर आएर सोध्दैन पनि खोज्दैन पनि हाम्रो। यो कहिले भएको? दुई वर्ष यो बनाउनेलाई मात्रै दुई वर्ष पनि बेसी भयो बनाएको। दुई वर्ष दिन बेसी भयो। अन्त यो यो भाँचेको चाहिँ कहिले? यो कहिले भाँचेको? यो भयो एक दुई महिना। दुई तिन महिना भयो भनौँ न। तिन महिना भयो। अन्त मान्छेहरू पनि लड्छ होला? लड्छ नि, नानीहरू सानसानो छ यो गाउँमा। ठुलै मान्छेहरू अब कसैले आँखा देख्दैन, बुढाबुढी छ हाम्रो गाउँमा मान्छेहरू। अब हिँड्नु पनि डरेसरी छ, उयो भाइको आमाले पनि आँखा देख्दैन, उसको पनि आमाको आँखाको अलिकति प्रब्लम छ। हिँड्नु पनि डरेसरी छ, नानीलाई स्कुल लानु बजार पठाउनु पनि पिरै छ यसमा। यस्तो भइरहेछ, कोही आउँदैन हेर्नुलाई? कोही आउँदैन, कसलाई गएर भन्नु? जयन्तीको भाउजूलाई गएर भन्यो भने आएर आयो भन्छ। जयन्ती छ फेरि केही मुसिबत पऱ्यो भने बोलाउनु गयो भने जयन्तीले जाँदै गर्नु हामी आउँछ भन्छ, आउँदै आउँदैन कोही पनि। अन्त तपाईँहरू पञ्चायत अफिस किन प्रधान छ? प्रधान अब पञ्चायत अफिसमा अब उनीहरूले भन्छ हामी नै गरिदिन्छ भनेर, खै गरेन। मोती मुडाको पनि भाइले आएर कति ताल हेऱ्यो भएन। उयो पनि भाँचेको थियो, उयो पनि फुटेको थियो, त्यो पनि हिजो अस्ति हामीले 100 दिनको काम गर्दाखेरि बनाएको हाम्रै पैसाले। किनकि अहिले हामीलाई खानु नै मुसिबत भइसकेको छ, यो कसरी बनाउनु हामी? के नाम हो दिदीको? मेरो नाम डोमा हो, मेरो छोराको नाम थियो भन मनिष। दिदी के नाम हुन्छ तपाईँको? हजुर, मेरो नाम शारदा विश्वकर्मा। हजुर हजुर। यहाँ समस्या जुन चाहिँ हेर्नुमा आउँदो रहेछ, कस्तो समस्या हुँदैछ तपाईँ? अब हाम्रो समस्या चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो वार्ड मेम्बर छ जयन्तु, होइन जयन्तु सरकार छ, अब जयन्तु दाजु छ। अब उनीहरूलाई अस्ति हामीले यहाँनिर देखायौँ, आज यो भनेको 4 महिना जस्तो भइसक्यो यो लडेको चाहिँ। अब यो भत्केको गाई लडेर यहाँ भत्केको, अन्त आज उनीहरूलाई हामीले कतिपल्ट भन्यौँ कि यहाँ तपाईँहरूले अलिकति हाम्रो यो हेरिदिनुहोस्, नानीहरू बालबच्चा हिँड्छ, यो भत्केको छ अलिक बनाइदिनुहोस् भन्दा कोही रिस्पोन्स नै दिँदैन, खालि हेरेर जानुहुन्छ, अन्त केही रिस्पोन्सै गर्दैन, आउँछ हेर्छ जान्छ, त्यति मात्रै गर्छ। एकताल हेर्नुभयो, त्यहाँदेखिको उता आएकै छैन अहिलेसम्म। हो, यो समस्या कति महिना भइसक्यो? अहिले अब तपाईँको 4 महिना जस्तो भइसक्यो यो 4 महिना दिने यतिकै छ। यो पानीको दिनमा त डर लाग्दो समस्या, पानीको त बेलामा त यो पुरै भर्ती हुन्छ, कोही बेला त नाला भरेर पनि घर घरकोमा पनि पुग्छ। अब त्यो टाइममा मान्छेहरू लड्यो यसमा? यसमा त अहिले अब लडेको त छैन, किनभने सबैजना यो साइडबाट हिँड्दैछ, हिँड्नु चाहिँ अब हगि, किनभने छेउछेउबाट हिँड्दैछ। अब त्यही भएर यो पनि अब भत्किनु आँटेको छ, कति दिनको लागि हो यो? अन्त त्यही भएर हामीले चाहिँ चाहन्छौँ कि अब हाम्रो अलिकति यो दुःख चाहिँ उहाँहरूले हेरिदिनुहोस्, किनभने राति राति समस्या हुन्छ, मान्छेहरू साइडबाट गयो। हजुर, राति त अब के गर्नु, अब राति त अब यहाँ राति पनि प्रब्लमै छ, मान्छेहरू त अब हिँड्दैन राति त, अब किनभने हिँड्यो भने पनि अब जोगिँदै हिँड्नु पर्यो। त्यस्तो दुःख हुँदा हुँदा पनि कसैले पनि हाम्रो यो दुःख हेरिदिएको छैन। अलिकति तपाईँहरूको माध्यममा, तपाईँहरूको च्यानलको माध्यममा कतै तपाईँहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरूको च्यानलले अलिकति यहाँ दया चाहिँ देखाइदिन्छ कि हाम्रो गाउँको पञ्चायतले चाहिँ अलिकति भन्ने, हाम्रो चाहिँ अब तपाईँलाई यहाँ समाधान गर्नुको लागि तपाईँहरूलाई बोलाउनु भएको रहेछ, अब तपाईँहरूले अलिकति गरिदिनुहोस्, के हुन्छ विचार तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। हाम्रो दिदीको के नाम? नाम शारदा विश्वकर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहीं के स्थानीय निवासी हैं शारदा जी, और बता रही हैं कि ये समस्या जो है लगभग 3-4 महीने से है और टूटा हुआ है। सोचने वाली बात है कि टूटा हुआ है, ये तो माना जा सकता है कि कोई भी नाला कोई भी सड़क टूट सकता है, लेकिन टूटने के बाद का जिम्मेदारी किसका है ये भी सवाल हम लोग रखना चाहेंगे। और टूटा हुआ इस सड़क पे प्रोटेक्शन के नाम पे क्या है? यहाँ से अगर कोई अनजान व्यक्ति अंधकार में यहाँ से जाएगा तो ये गड्ढे के बीच में ही गिरेगा, और
कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है दोस्तों, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए किसी तरह से प्रोटेक्शन के लिए कोई लिहाज से किसी तरह से पहल नहीं किया गया है, ना पंचायत ना प्रधान के तरफ से। लोग कह रहे हैं, हम लोग ये कड़े शब्दों में कहना चाहेंगे कि अगर कार्य में देरी हो रही है तो क्यों देरी हो रही है, लोगों के जान के साथ लोगों के सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इस तरह से, नाले को खुला इस तरह से टूटे अवस्था में छोड़ने के वजह से। और इसको अगर परमानेंट अभी सॉल्यूशन अगर नहीं हो सकता तो टेम्पररी तो कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि कोई जो किसी को चोट ना लगे, कोई इसमें गड्ढा में ना गिरे, किसी का जान ना चली जाए। और इससे पहले कि किसी का जान चला जाए, कोई चोटिल हो जाए, कोई अपंग हो जाए, कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए और शायद कोई शमशान घाट पहुँच जाए, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से, नेतागण से, पंचायत प्रधान सभी से कि ये नाला आप एक बार फिर से देखने के लिए आएँ, जल्द से जल्द आएँ और इसको जल्द से जल्द मरम्मत करें। ये अन्यथा एक बार फिर से हम लोग आएंगे और इसी तरह से हो सकता है आगे जनता अगर चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है। और अगर जनता चाहेगी उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जयगांव मिरर्स इसी तरह से आपके समक्ष आता रहेगा। फिलहाल आप सभी से हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। जयगांव मिरर्स का प्रयास आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करें, विजुअल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।